कि जिस तरह हजरत दाता गंजबख्श अली जबरी रहमतुल्लाह अलैह खुद आप अपने बारे में फरमाते हैं कि गर्मियाँ थी और मैं बाल जो है वो बड़े बड़े थे वो सारे कटवा के तो हलक करवाया हुआ था, तो सफ़र में था, तो रात गुजारने के लिए किसी मस्जिद के साथ खानकाह थी वहाँ ठहर गया। मुझे खैर उन्होंने अकामोडेट तो कर लिया, खुद वो बुलंदी पर चले गए, मुझे सबसे नीचे वाले हिस्से में जो मामूली या आम उनके ख्याल में था, जहाँ यकीनन कैफियत होगी तो मच्छरों वाली भी या इतना वो बावकार जगह नहीं थी। तो कहते मुझे उन्होंने आम सा खाना दिया, खुद अच्छा खाना खा के बाद में खरबूजे खाने शुरू कर दिए। तो वो बुलंदी पे थे, वो खरबूजे खाते और साथ वो छिलके जो थे वो मेरे सर का निशाना बांध के मुझको मारते, तो जिसका निशाना लग जाता वो ठा ठा करके फिर हंसता मुस्कुराता खुश होता कि मैंने सही माजल्ला ये मलंग जो है इसका निशाना लगाया। तो कहते हैं इस तरह वो मेरे सर के ऊपर जो टेंड कराई हुई थी वो अपना निशानाबाजी करते थे, लेकिन मैं सब्र शुक्र करके वाता वाह सौ बिल हक क्योंकि सब्र जो है ये पहली ज़रूरत है। इन्नल्लाह मा साबिर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, वबशरी साबिर। तो फरमाते मैंने सब्र किया और मेरे साथ जो मलामत की उन्होंने कैफियत की तो मैंने कोई गिला शिकवा या एहतजाज या गाली गलोच या जिस तरह बाज़ लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर सारा इनम और इरफान जो है वो गाली गलोच की वो जितनी मालूमात या अल्फाज का ख़जाना होता है सारा उडेल देते हैं। आप फरमाते मैंने कुछ ना किया, बस अल्लाह की रज़ा समझ के सब्र किया कि मेरे मुकद्दर में थी ये आजमाइश